और अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज हो गया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मामला 2021 में दिल्ली में एक नाबालिग से कथित रेप और हत्या का है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली कैंट इलाके में एक बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप और फिर हत्या का मामला सामने आया था। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले थे, लेकिन पीड़ित परिवार की पहचान छुपाए बगैर उन्होंने उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी थी, जो कानून का उल्लंघन था। दिल्ली हाईकोर्ट में इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह अवगत कराया है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और IPC किशोर न्याय अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। हमको अपेक्षा है कि दिल्ली पुलिस शीघ्र इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करेगी। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा है और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वैसे ही 2-3 साल का इसमें लंबा डिले हो चुका है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि दिल्ली पुलिस इसमें शीघ्र जाँच पूरी करे, चार्जशीट फाइल करे और न्यायालय में हम आरोपी को सजा दिलवाने के लिए आगे इस मामले को ले जा सके। बैंक घोटाले के आरोप में ईडी ने रोहित पवार से 11 घंटे की पूछताछ की और उस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर सियासी प्रदर्शन भी जारी रहा। बुधवार की सुबह 10:30 बजे रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उनकी बुआ और सांसद सुप्रिया सूले के साथ पार्टी के अन्य नेता भी उन्हें छोड़ने ईडी दफ्तर के गेट तक आए। MSC यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में रोहित पवार से 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर NCP शरद पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन भी जारी रहा। पूरे टाइम समर्थकों का हुजूम बाहर मौजूद रहा। पूछताछ के बाद जैसे ही रोहित पवार बाहर निकले तो जमकर जश्न मनाया गया। वहाँ पे जो भी अधिकारी थे उन्होंने कोऑपरेट किया, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी उन्होंने ली और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगे, वो जो 1 तारीख को मैं देने वाला हूँ वो उनका काम कर रहे हैं। मैं मेरा काम सिटीजन्स करके उनको जो भी सपोर्ट करना था वो किया, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की जनता को पूछे या इंडिया की जनता को पूछे कि ये जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और इलेक्शन के वक्त ही क्यों चल रहा है, तो वो कहेंगे शायद इसमें राजनीति हम सबको दिख रही है। रोहित पवार को ईडी ने अब आगे की पूछताछ के लिए 1 फरवरी को तलब किया। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष आज ASI की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी हासिल करने के लिए कोर्ट में आवेदन करेंगे। ज्ञानवापी विवाद में ASI की सर्वे रिपोर्ट बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमा हो गई। जिला अदालत में रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई हुई और आदेश में कहा गया कि दोनों पक्षों को रिपोर्ट हार्ड कॉपी में दी जाएगी। आदेश में कहीं भी कोई गैग ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। इस आदेश में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट की कॉपी पे सार्वजनिक होने पे कोई रोक टोक नहीं है और हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज की अप्लाई करेंगे और जैसे ही सर्टिफाइड कॉपीज की मिलेगी उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। मुस्लिम पक्ष भी रिपोर्ट की कॉपी हासिल करने के लिए आज आवेदन करेगा। स्पष्ट आर्डर है कि सील कवर तोड़ के पार्टीज ऑफ द सूट काउंसिल को इसकी नकल जनरल सिविल के मुताबिक प्रोवाइड किया जाए। जो साइंटिफिक रिपोर्ट हो या जनरल रिपोर्ट हो उसके खिलाफ पार्टीज ऑफ द सूट को ऑब्जेक्शन का कोर्ट मौका प्रोवाइड करती है कि ये रिपोर्ट किस हद तक सही है या इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, वो अब रिपोर्ट देखने के बाद जो कमियां नजर आएंगी उस पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।